प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। हाँ, सबसे पहले तो जो हमारे बाजू में बैठे हमारे वसी सर है, जिनके पास मैंने सीखा है। आज मैं चाहता हूँ कि हमारे गोवंडी के जो बच्चे हैं वो उनके पास भी जाके सीखे, कि हमने आज से 20 साल पहले सीखा था और मुझको पता है कि वहाँ अच्छे से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जबकि गोवंडी के जो बच्चे हैं उनको सख्त जरूरत है प्लेटफॉर्म। तो मेरा काम सर यही है कि मैं उनको सबसे पहला प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। गोवंडी के अंदर हमेशा एक मायूसी है, हमेशा एक नाउम्मीदी है कि यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ सिर्फ नशा होता है, सब यहाँ होता है। तो मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि गोवंडी के अंदर टैलेंट मौजूद है, बस उनको प्लेटफॉर्म और उनको सपोर्ट की जरूरत है। क्या लगता है किस तरीके का ये शो होने वाला है? मेरा शो तो काफी बढ़िया होने वाला है। हम लोग हमेशा तो शो करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है। उसके बारे में मैं जानता हूँ जो उसने देखा है। अब मैं चाहता हूँ कि गोवंडी के बाकी बच्चे भी ये चीज जाके देखे और गोवंडी से बाहर निकले, क्योंकि गोवंडी के बाहर भी एक दुनिया है। गोवंडी के अंदर ही दुनिया खत्म नहीं होती है। मैं गोवंडी के वो बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। मुझे लगा आए दिन आप कोई ना कोई सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों क्या कहना चाहिए? मेरा सौभाग्य, अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ये काम करने का मेरे को मौका मिलता है। और जब तक कि मैं जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह मैं गोवंडी के बच्चों के लिए करता ही रहूंगा, कि मैंने मेरा एक मकसद बनाया कि मैं सिर्फ गोवंडी के बच्चों के लिए करूंगा। मैं कोई आश्वासन कोई नेता या कुछ नहीं बनना चाहूंगा, पर जब तक जिंदा रहूंगा इंशाल्लाह मैं गोवंडी के बच्चों के लिए करता रहूंगा। किस तरीके के बच्चे लोग इसमें भाग ले सकते हैं, किस उम्र के लोग ले सकते हैं? ये तो कोई उम्र नहीं है, एज ग्रुप तो हम 6 साल के बच्चों को भी सिखा सकते हैं और हम 60 साल की लेडीज को भी सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने रखा है, मतलब क्या मोटिव है आपका? मेरा मोटिव यही है कि गोवंडी के बच्चों को, गोवंडी के लोगों को पता चले कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझसे कॉन्टेक्ट करे। गोवंडी के जितने बच्चे हैं जिंदा साहब मेरे पास कॉन्टेक्ट करे, और जो गोवंडी के बाहर के वो हमारे वसी सर से कॉन्टेक्ट करे। ये प्लेटफॉर्म किस तरीके का है? ये प्लेटफॉर्म तो सिंगिंग है, टैलेंट के वहाँ पर खोज हो रही है, उनको मौका मिल रहा है, उनको मॉडल हंट है, वहाँ पर हर चीज मिलेगी, यहाँ से बाहर आइए। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि गोवंडी के बच्चों को गोवंडी से बाहर ले जाना है, ताकि वो कुछ सीख सके, वो कुछ बन सके। हाँ, तो इसके लिए जो भी देखो फॉर्मेलिटीज का जो काम रहेगा वो तो होगा, जो उसकी फीस रहेगी वो उस पर रहेगी। जो भी जानकारी लेना चाहता है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा मोबाइल नंबर मैं इस पे अवेलेबल करूंगा, जो भी जानकारी लेना है मुझसे कांटेक्ट करें। आपको लगता है कि गोवंडी के आवाम में जो बच्चे हैं जो बिगड़ चुके हैं, क्या वो प्लेटफॉर्म से सुधर सकते हैं? देखिए कैसा है, सबसे पहली चीज क्या है, उम्मीद। और मैंने जो सीखा है और मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना। एक उम्मीद वो चीज होती है जो वापस हमको कुछ भी करने के लिए एक ताकत देती है, उसका नाम है उम्मीद। गोवंडी के सारे लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आपकी भी उम्मीद का दामन ना छोड़िए, उम्मीद से कायम। शो के अंदर किस तरीके का जो है काम होने वाला है, किस किस चीजों को दर्शाया जाएगा? जैसे हमारा एक शो मॉडर्न नेशनल क्रश ऑफ 2024 है, एक प्लेटफॉर्म फॉर न्यूकमर्स के लिए है, कि ब्यूटी पेजेंट प्लस पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है। इसमें एज ग्रुप हमारा 6 से लेकर 50 साल तक है, तो उसमें हाइट लुक्स वाइज रिचनेस कुछ इन्फ्लुएंसर जो भी आना चाहे, हमारे साथ जुड़ना चाहे, वो सबको एक ना एक चांस मिलेगा आगे बढ़ने का, कुछ करने का। और कोई तरीके का मैसेज जो आप रिगार्डिंग आपको ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जिससे आप लोगों के साथ जुड़े? के बारे में अभी तो जब मैं आई सुनी के बारे में, वो गोवंडी के बच्चों को जैसे कि यहाँ पे नशा होता है, ये होता है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं,
उस चीज को लेकर मैं बहुत खुश हुई, मैंने फर्स्ट टाइम मुझे मिली पर ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मोहसिन भाई के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं, और जो बच्चे सच में अगर गलत जगह पे जा रहे हैं तो आप उनको एक मोटिवेशन बोलते हैं कि हाँ इन्होंने इतना मोटिव किया तो आप भी उनको मोटिवेशन कीजिए और बच्चों को बढ़ाइए आगे, केवल यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है तो उसके जरिए फायदा उठाइए और कुछ ना कुछ करके दिखाइए। सिविलियंस को किस तरीके का सपोर्ट मिल सकता है आप लोगों की तरफ सर के साथ में? जब से मैं जुड़ी मेरे खुद एक लेडीज हूँ, मैं बाहर निकलने के लिए कवर सोचती हूँ, लेकिन जब से सर के साथ में जुड़े हूँ कॉन्फिडेंस लेके मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ। यहाँ तक के सर के साथ में काम करने की बात, बाकी हद जो हम घर से निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो हमें भरोसा करके हमको भेजेंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके भरोसे को हम कायम रखें। ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं कि वो बच्चों को आगे, बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स का भरोसा कायम रखें। मैम जैसा कि आप लोगों ने बोला है कि बॉयज के लिए फैशन शोज वगैरह सब रखा है, खाली गवंडी के लोग रहेंगे या कहीं और से भी जुड़ेंगे? ऑल ओवर इंडिया से सब लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ गर्ल्स से भी आ गए, सऊदी से, दुबई से, इसलिए मैंने ये पूछा मोहसिन के लिए यहाँ आके मैंने कुछ सीट्स बुक की है। बैठे गोवंडी के बच्चे, मैं चाहता हूँ कि उनको मौका मिले और ये आगे बढ़े, सर का, हमारा और गोवंडी का नाम रोशन करे, और गोवंडी के ऊपर जो एक दाग है उसको धुले और उस पर पूरी कोशिश करिए। और गोवंडी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज सपोर्ट अस कि हम गोवंडी के लिए कुछ करें, गोवंडी के बच्चों के लिए कुछ करें। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से कि प्लीज इस बार मेरा सपोर्ट कीजिए और गोवंडी के बच्चों की तकदीर बदलने में मेरा साथ दीजिए। देखिए नशा मुक्ति भी होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का स्कोप होना ये भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ एजुकेशन में भी लोगों को ज़्यादा स्कोप मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें होगी तो मेरा गोंडी बहुत बेहतर होगा। जी एजुकेशन में हम चाहते हैं कि गोंडी शिवाजी नगर में हर एक बच्चा, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो एजुकेशन से पीछे रह जाए, इसलिए हम लोग ने अभी आपने देखा कि 7 माले गए, एक स्कूल बन रहा जो 10 तक होगा इंशाल्लाह ताला। और हमारा एक सपना था जब हम लोग पॉलिटिक्स फील्ड में नहीं थे, उस वक्त हम सोशल वर्क करते थे, तो उस वक्त हम सोचते थे कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर में जो बहुत सारे ऐसे माएँ हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं जो बच्चों को फीस के लिए यहाँ वहाँ दर बदर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करते थे, तो हम उस वक्त संज्ञान लिए थे कि क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हमारे गोंडी शिवाजी नगर के किसी को भी हाथ ना फैलाना पड़े और उनका बच्चा एजुकेशन में आगे इमारत हासिल करे। तो हमारे को स्कोप मिला कि पॉलिटिकल फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप अच्छी सड़कें बना सकते हो, आप अच्छे गार्डन बना सकते हो, आप बच्चों के स्कूल बना सकते हो। हमारा जो वो स्कूल बन रहा है 7 माले का जो शिवाजी नगर म्यूनसिपल ओल्ड 1 है, वो हमारे सपनों का स्कूल है। वो स्कूल ऐसा है कि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, सारी एम्यूनिटीज़ है और बच्चों को एक अच्छा स्कोप मिलेगा, और बच्चे हमको उम्मीद है कि वहाँ से पढ़कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर इस तरह से महारत हासिल करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि हमने एजुकेशन में कुछ बड़ा काम किया। हमने सुना है जो आपने जिसका जी 2000 आप एक RTI मार के आप चेक कर सकते हैं, 2017 और 2018 के बजट में करीब करीब 2.5 से 3.25 करोड़ रुपया उसकी रिपेयरिंग के लिए आया था। आज भी मुझे वो दिन याद है कि एक कॉन्ट्रेक्टर को लगा था, हम लोग गेट पे खड़े हो गए थे कि हमने कहा कि अगर ये स्कूल एक बार रिपेयरिंग होगा तो रिडेवलपमेंट होने में प्रॉब्लम होगा, फिर हमने उसको रुकवाया है और वो फंड आप मालूम भी कर सकते हैं। ये 2017-18 के बजट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद हमने इसका प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे जनसंख्या बच्चों की ज़्यादा है ऐसे, और इसको बच्चों को मिल नहीं रहा है एजुकेशन में, बच्चे किस तरह से ज़्यादा है, तो एक अच्छी इमारत के लिए हमने वहाँ पे कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। आज बहुत मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जनाब अबू आशिम आजमी साहब और हमने मिलकर उसमें काम किया, वो मुंबई का सबसे खूबसूरत स्कूल बन रहा है। वहाँ पर सारी एम्यूनिटीज़ है, सारी फैसिलिटीज़ है, साइंस की लेबोरेटरी है, बच्चों को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे गोंडी शिवाजी नगर के बहुत बेहतर है।
जरूर हर अच्छे कामों में वो रहते हैं और हम उनके ही सिपाही हैं। हम जनाब अबू आशिम आजमी साहब के सिपाही हैं, मोहसिन भाई के साथ, हमारे सर के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और जब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और उनके फ्यूचर के लिए कुछ बेहतरी होगी तो जरूर हम हिस्सा लेंगे। बहुत खुशी है कि हमारे गोंडी शिवाजी नगर में फुटबॉल का भी एक बच्चा कराटे में ब्लैक बेल्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल में। हमको खुशी है कि हमारे बच्चे इस तरह से स्पोर्ट एक्टिविटीज में, एजुकेशन में इस तरह आगे बढ़ेंगे तो हमको खुशी है और मुझे बदलता गोंडी दिख रहा है और इंशाल्लाह ताला जो कमियां हैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे।